अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द खान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो गाइस, आपको पता है मैंने आपको बताया था मेरा ब्लॉग है, तो फ्राइडे को मेरा थ्योरी पेपर हुआ और आज मेरा ऑस्पी वाइवा हुआ और ब्लॉग मुक गया। लेकिन रिजल्ट क्या होगा वो अल्लाह ही जानता है और टीचर्स जानते हैं जिन्होंने चेक किया है। खैर, मेरी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की अच्छा करने की, लेकिन जितनी कोशिश की उतना बुरा हुआ। और बस देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट से पता चलेगा। मैं पता है कभी भी पेपर के बाद ये नहीं बताती अच्छा हुआ बुरा हुआ, मुझे पता होता है कि रिजल्ट कुछ और अनएक्सपेक्टेड ही आएगा, जो मुझे लगेगा उसके उलट ही आएगा, तो इसे मैं जज ही नहीं करती। ठीक हो गया। खैर, मैंने आपको बताना था कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी कुछ दिनों से, और अभी ये बात हुई है कि कुछ दिनों पहले, मतलब ये जो जिन दिनों में मैं नहीं थी आपके साथ, उन दिनों में मैंने कुछ क्लिप्स बनाई हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि मैं आपको बताऊँ कि हमारे ये चंद दिन कैसे गुजरे और मैंने किन हालात में रह के अपने ब्लॉग की तैयारी की। आप लोग वो मुलाहिज़ा करके आए ज़रा। ये बात है जुमेरात की, जब मौसम बहुत औसम था और हमने रॉकी रोड बनाया, और ये हम लोग 14 दफ़ा बना चुके हैं। और आई लव दिस, एंड इफ़ यू गाइज वॉन्ट्स इट्स रेसिपी तो आप मुझे बताएं, मैं आपको नहीं दूंगी। खैर, मजाक के अलावा, मौसम जैसे मैंने बताया कि औसम था, तो मैंने आलू वाले पकोड़े बनवाए और साथ में मैं ओरल बायो पढ़ रही थी। उसके बाद ये मेरे ब्लॉग की सुबह और ये ब्लॉग के बाद, मतलब ब्लॉग अच्छा हो गया मेरा। खैर, अब हमारे जो हैं फैमिली फ्रेंड्स, उनके यहाँ बेबी बॉय हुआ है, तो हमारे घर में कुछ चीज़ें थी और मतलब ये डेकोरेशन वाली, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग उसके गिफ्ट को थोड़ा सा प्यारा सा सजा के उसको हम दें, ताकि बेबी को भी फील हो ना कि वो कितना स्पेशल है। खैर, ये चीज़ें हैं, ये आपके घर में भी होनी चाहिए, जैसे कि एक रिबन, ये बटरफ्लाई वाला ना भी हो तो कोई बात नहीं। और मुझे कोई ये ना पूछना कि मैंने ये कहाँ से लिया है, क्योंकि हमारे घर में आधी से ज़्यादा चीज़ें सऊदी से आई हैं और ये सारा सामान भी वहीं से आया हुआ है। ठीक है, रिबन भी, ये बटरफ्लाइज भी, ये जो एक तार सी है ये भी, लेकिन ये हम लोगों ने यहीं से लिया, ये सऊदी से नहीं आया है। खैर, आगे अब जाते हैं। अब हम लोग ले लेंगे रुई और हम लोग, मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे के लिए हम लोगों ने गिफ्ट कैसे पैक करना है। और हम लोग ले लेंगे नायलॉन और उसके बाद हम लोग इसको ऐसे रैप करके, इसका जो होगा ये, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, उसको इसके अराउंड रैप करके हम लोग ये कर देंगे, ताकि फ्लफी फ्लफी बेबी क्यूट हो जाए। खैर, हम लोगों ने ये बास्केट ली हुई थी जो कि सऊदी से लाए थे हम। इस बास्केट को हम लोगों ने सजाया और उसके गिफ्ट्स यहाँ पर रखे, और ये थोड़ा ऐसे रिबन से उसके गिफ्ट्स को हम लोगों ने बांधा, और ये उसकी मम्मा का गिफ्ट है, और ये ऐसे कुछ, ये वाली जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सब कुछ किया हमने। अब इसके ऊपर ये जाएगा जाएगी और इसको हम लोगों ने एंड लुक कुछ ऐसे दिया, क्योंकि ये बेबी बॉय है तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये ब्लू हो। और ये भी हम लोगों ने कहीं से नहीं लिया, ये भी सऊदीया से आया हुआ है। यार, हम लोग खुद मेड इन सऊदीया है ना, तो हम लोगों की सारी चीज़ें ब्रॉड फ्रॉम सऊदीया हैं। खैर, इसके बाद हम लोगों ने घर किराए का ले लिया और ये हमारे घर से मंजर है। अब हम लोगों ने जब किराए का घर देख लिया, उसके बाद हम बेबी बॉय से मिलने गए, उसको उसका गिफ्ट जो देना था वो आँखें भी नहीं खुल रहा था और मेरे हाथ लगाने पे उठ भी रहा था, तो मैंने ऐसे तप तप करके उसको सुला दिया। खैर, और यार ये इतना क्यूट उसका कुर्ता, मतलब एक बालिश उसकी शलवार की लेंथ और कमीज़ के आस्तीन चेक करो, मतलब मेरा हाथ आ जाए इस पूरे कपड़ों में यार। है क्यूटू बेबी से मिलने के बाद हम लोग आए और हम लोगों ने रगड़ रगड़ के घर इतना साफ़ किया, कि हमारी जान निकल गई। लेकिन यहीं पे सब ख़त्म नहीं होता गाइस, हमारी ज़िंदगी इसके बाद भी थोड़ी दुश्वार, थोड़ी नहीं बहुत दुश्वार हुई, क्योंकि हम लोग, अरे अभी क्यों बता रही हूँ, बाद में बताती हूँ ना। खैर, अब ये हम अनस से कहते हैं, कहना चाहे करो अल्लाह मस्जिद के, ये एक रूम हो गया, ये लाउंज हो गया, और अभी सिर्फ सफाई की है यहाँ पर, बाकी बहुत थक गए थे। ये सफाई के दौरान हमारा वो स्नैक्स, और ये मैं लाई हुई थी कि सफाई ये लोग करेंगे और मैं पढ़ लूँगी, लेकिन मैं बस लाई ही थी। खैर, ये दूसरा रूम है ना, स्पष्ट कर दो यार, बिजली का बिल भी आता है, क्या करते हो तुम, मतलब हद हो गई। अच्छा, आगे चलते हैं हम, ये है एक और रूम, यहाँ पे अभी सफाइयाँ हो रही हैं,
ये है किचन, यहाँ पे तो ना ही पूछें क्या हाल था। अस्तग़फ़िरुल्लाह, कैसे रह लेते हैं लोग ऐसे किचन में, कैसे। और ये अनस पोज बनाते हुए, थोड़ा ऐसा अनस थोड़ा उधर उधर ऐसे ऐसे ये, और ये मैं, मैंने कहा मैं भी शीशे में आ जाऊँ ना, मतलब रह गई तो चलो खैर मैं गई बाय। अच्छा तो अब हम लोगों ने सफाई कर ली, खाना खा लिया, अब इसके बाद हम लोग शिफ्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। दो गाड़ियों में सामान लाद के हम लोग दूसरे घर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं है हमारे इस वाले घर से, मतलब ये समझें कि दो गली छोड़ के। खैर आपको लोकेशन क्यों बता रही हूँ। और ये दूसरी गाड़ी फुल जैम पैक हुई हुई है। अब आगे चलो यार जैनब, थोड़ा तेज़ प्लीज़, मरी हुई हो पहले से तुम। हाँ ये रूम जो आपको पहले मैंने दिखाया था कितना भरा हुआ था, अब कितना खाली हो गया, लेकिन ये अब और भी खाली होना है, मतलब ये यहीं पे ख़त्म नहीं होती बात। और ये है एक दूसरा रूम जो कि खाली हो गया, बस दो तीन चीज़ें लटकी हुई हैं, वो लेकर जानी है, जाके दूसरे घर में लटकानी है, मतलब और हिम्मत नहीं होती। और ये बस कर लेना है, ये और कम हो गया। उसके बाद हम लोग 2:30 बजे रात के गए मरकज़ से ये लाने, बिकॉज वी वर सो हंग्री, हमारा सारा खाया पिया हज़म हो गया था 2 घंटे के अंदर। और बस अगले दिन सुबह मैंने कहा चलो बहन पढ़ लो, औस भी है, और ये मौसम के साथ मैं पढ़ रही थी। रात को क्या हुआ, अगले दिन मतलब संडे को रात को मैंने बुक तो खोली हुई थी कुछ इस तरह से, लेकिन मेरी नज़रें कहाँ पर थी, यहाँ पर। क्यों, पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, मतलब हद होती है जैनब, शर्म खा लो थोड़ी, प्लीज़ प्लीज़। खैर अब आप लोग जाएं मुझसे मिलें। तो गाइज उम्मीद करती हूँ आपको ये चंद मतलब जो जो हुआ हमारे साथ इन दिनों में वो देख के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, और वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई होप अभी मैं फ्री हो गई हूँ, तो ब्लॉग में जो चीज़ें रह गई हैं मुझसे मैं वो भी करने की कोशिश करूँगी, और अभी इस ब्लॉग को साथ लेके चलूँगी, वरना बेटा जी 2 दिन में कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, दोबारा बोल रही हूँ नहीं, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको याद रखेंगे, बाय।